सर। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन और स्टैंडर्ड फंक्शन हमने कल कवर किया था। खैर वो तो बेसिक था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन अब बनेगा वो यही वाला पोर्शन है। ऑन एन एवरेज दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं पेपर में। अगर वो दो क्वेश्चन आ गए, कोशिश हमें करनी है कि दोनों के दोनों सही हो जाएं। आज के लेक्चर में बेसिक थ्योरी इस पे पूरे कवर करने की कोशिश करेंगे और अच्छे समझेंगे फटाफट, ठीक है। सबसे पहले रेंज पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कभी भी कोई भी फंक्शन की रेंज निकालनी है तो रेंज निकालने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। पहला बेसिक तरीका जो आप सबने पढ़ा है कि मान लो वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। वाई इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, आप पूरे को सिंप्लीफाई करके क्या निकाल लो, एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई निकाल लो। अब यहां से पता कर लो वाई की वैल्यू कहाँ से कहां तक लाई कर रही है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि उसका अगर ग्राफ प्रिडिक्ट कर लो, ग्राफ प्रिडिक्ट करने के बाद उस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख लो कहाँ पे जा रही है। यहाँ पे ये वाई मिनिमम हो गया, ये वाई मैक्सिमम हो गया, कहाँ तक जा रही है, तो रेंज पता चल जाएगी कि वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। बाकी कभी अगर आपको किसी इंटरवल में पूछे कि इस इंटरवल में रेंज क्या होगी, तो उसके हिसाब से, बाकी मीन तो फंक्शन के हिसाब से चीज आपको डिफाइन करने को। कभी कभी स्टैंडर्ड फंक्शन का यूज करते हुए रेंज निकलवाते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शन की रेंज आपको पता होनी चाहिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इन सब फंक्शन की डोमेन और रेंज एकदम पता होनी चाहिए। तो वहां से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। उस पर क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है इसी तरह का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर मिल, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक। तो जनरल क्वेश्चन जो रेंज का आता है वो यही आता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या होता है, याद है? क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक आया तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। एक्स स्क्वायर की सारी टर्म साथ में कलेक्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन, ठीक है। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि रेंज अगर निकालनी हो तो एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में अपन ने लिख ली। अब क्या करेंगे, अब रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे, वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे वाई के क्वेश्चन को पॉजिटिव बनाते हैं। जनरली अपन जब भी वेविक और मेथड अप्लाई करते हैं वाई के क्वेश्चन को क्या बनाते हैं, पॉजिटिव। तो दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर नीचे से माइनस कॉमन तो दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है यहाँ पे, वन और माइनस वन, फिर हम लगाएंगे प्लस माइनस प्लस। मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए और डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। तो वाई की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, माइनस वन से लेके वन तक। तो ये आपकी क्या गई, रेंज आ गई। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन, जब भी एक्स अपॉन मतलब वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया था तो मैंने एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई निकाल लिया और फिर वाई की वैल्यू पता कर ली। क्या सबको क्लियर हुआ, एवरीवन? यस सर। ओके सर। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन और आते हैं जहाँ पे लॉजिकली रेंज निकलती है, जैसे फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाले में बताओ जल्दी से क्या लॉजिक लगेगा, टू साइन एक्स प्लस वन की रेंज कैसे निकालोगे, बोलो। ऐसे करिए फटाफट, मैं सबकी हिंट दे रहा हूँ, फटाफट एक बार देख लो, रिकैप हो जाएगा आपके लिए। पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे, समय कम है, तो सब लोग बस सुनते जाओ। साइन एक्स की वैल्यू मुझे पता है माइनस वन से वन के बीच में लाई करती है। अब ये फंक्शन क्रिएट कर, दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू से टू, दोनों तरफ प्लस वन ऐड कर दोगे, प्लस वन ऐड करने पे ये वाई क्रिएट हो गया, तो इधर बना माइनस वन, इधर बना थ्री, तो वाई वैल्यू माइनस वन से थ्री, मतलब जो फंक्शन था वो क्रिएट कर लिया। सेकेंड वाला कैसे करेंगे, बी पार्ट, बी पार्ट में क्या दिया हुआ, टू वाई इक्वल टू टू अपॉन थ्री माइनस वाई इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, y इक्वल टू टू अपॉन थ्री माइनस वाई इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब यहाँ पे मुझे सोचना है अगेन कि y की वैल्यू कहां से, इसको कैसे सॉल्व करें, बताओ जल्दी से। जैसे अभी मैंने बताया था x इज अ फंक्शन ऑफ y निकाल लो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, थ्री माइनस वाई इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x को अलग निकाल लेते हैं, टू अपॉन y, इसको इधर उधर भेजेंगे तो ट्वाइस द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू थ्री माइनस टू अपॉन y, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री वाई माइनस टू अपॉन y, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, 3y माइनस टू अपॉन टू वाई। अब क्या करेंगे बताओ, इसके बाद स्टेप, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकालना, इसके बाद क्या लॉजिक लगेगा, फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1, वेरी गुड। फ्रैक्शनल पार्ट मुझे पता है हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अब इसको सॉल्व करके दो अलग अलग केस बनेंगे,
दोनों एक एक केस में लेस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक में लेस देन इक्वल टू जीरो, दोनों केस का आपस में हम क्या ले लेंगे इंटरसेक्शन, वहां से मेरे को वाई की रेंज पता क्लियर है। यहाँ पे यही करना, दोनों केस में हमने क्या किया, फर्स्ट में साइन एक्स को यूज किया साइन एक्स माइनस वन से वन, सेकंड में फ्रैक्शनल पार्ट को यूज किया और उसकी मदद से ये पता कर लिया y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है। कोई डाउट यहां तक? नो सर। ये जो d पार्ट है इसमें सेम पार्ट c में भी ऐसे करोगे, साइन एक्स को अलग निकाल लेना, फिर साइन एक्स की वैल्यू जो भी आएगी उसको माइनस वन से वन के बीच में लाई कर देना। ये जो डी वाला पार्ट है वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, इसमें क्या लॉजिक लगेगा, इसकी रेंज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बता सकते हैं? मिनिमम कितना होगा बताओ, ये वैल्यू, ये वाई की वैल्यू मिनिमम रूट फाइव, रूट फाइव, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर मुझे पता है, एक्स स्क्वायर हमेशा जीरो से क्या होता है ज्यादा होता है, तो ये मिनिमम तब आएगा जब एक्स स्क्वायर मिनिमम होगा, एक्स स्क्वायर मिनिमम कितना होगा जीरो, तब अगर ये जीरो हो गया तो वाई की मिनिमम वैल्यू रूट फाइव, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जा सकता है ना, इसकी रेंज आ जाएगी रूट फाइव से इन्फिनिटी। ये सब ऐसे बेसिकल लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. अब देखो मेन तीन टाइप की क्वाड्रेटिक अलग अलग आती है, ये तीनों वेराइटी एक बार देख लो आपके इस मतलब एग्जाम में आ सकती है। पहली वेराइटी ध्यान समझो, हिंट दे रहा हूं मैं अगेन, इसमें क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे पूरी क्वाड्रेटिक वाई में बन, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी। देखो अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी समझ लो एक बार क्वेश्चन, ये तीन तीन वेराइटी ही बनती है, ये तीन वेराइटी अगर अच्छे से समझ ली तो सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक वाई पर क्वाड्रेटिक में तीन वैरायटी, तो इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे, तो y माइनस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस x की टर्म के साथ क्या आएगा, माइनस y माइनस वन टाइम्स x प्लस बची हुई टर्म में क्या आएगा, y माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये x में क्वाड्रेटिक बना दी। अब मेरे को बोला गया है कि भाई x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, अगर x की वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूँ, ऑल रियल नंबर है, तो अगर x रियल नंबर है तो इस क्वाड्रेटिक का जो d होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आपको ये स्टेप करनी है, x अगर x की वैल्यू रियल है तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये करने पे आपको y में एक रिलेशन मिल जाएगा, इसका d मतलब b स्क्वायर माइनस 4a * c ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये y में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, अब यहां से मेरे को y के बारे में पता चल जाएगा कहां से कहां तक लाइक करें। क्या ये सबको समझ में आया? यस। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको, क्वाड्रेटिक को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x में क्वाड्रेटिक बनाना, x बिलोंग्स टू रियल, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y में क्वाड्रेटिक बनेगी, दो फैक्टर बनाना, वेविक कर्व मेथड अप्लाई करके वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। हाँ है ना, ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लेना। सेकेंड वेराइटी, अब इसमें थोड़ा सा कभी कभी ध्यान क्या रखना पड़ता है कि अपने पास जो वैल्यू है उसको एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना, ये जो एंड पॉइंट पे ये वैल्यू वाई पे रखने पे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, एक्स में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। जैसे यहाँ पे कभी कभी क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सेम, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करोगे, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ रहा है, y belongs to 1 से लेके 7 by 3, y belongs to 1 से लेके 7 by 3। अब प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं, ये कोएफिशिएंट क्या आ रहे हैं सेम, तो अगर आप y को 1 रख दोगे यहाँ पे डायरेक्ट दिख जाएगा आपको, y को अगर मैं 1 रख दूंगा आंसर मेरा फाइनल कितना आ रहा था 1 से 7 by 3, लेकिन y को 1 रख अगर रख दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इक्वल टू 1, क्या ये पॉसिबल है? इसमें y की वैल्यू हम 1 नहीं रखेंगे, तो ये लास्ट में मैंने क्रॉस चेक कर लिया कि यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, तो y 1 पे क्या रहेगा ओपन ब्रैकेट, फिर कोई दिक्कत नहीं, तो 1 पे हम क्या कर देंगे ओपन ब्रैकेट करते हैं। और थर्ड वेराइटी क्या आती है, कभी कभी क्या होता है जो क्वाड्रेटिक हम लेते हैं, क्वाड्रेटिक ऊपर और नीचे, इसमें एक फैक्टर कॉमन आ जाता है, फैक्टर कॉमन, हाँ एक फैक्टर, जैसे यहाँ पे एक फैक्टर अगर देखोगे यहाँ पे 3 2 जा 6 हो रहा था x माइनस 2 x माइनस 3 और डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है x माइनस 2 x माइनस 3 ये देखो चेक करो आया ना। yes, sir. अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि यहाँ पे एक फैक्टर ऑलरेडी कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैं y इक्वल टू क्या डायरेक्टली ये लिख दूं x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 बोलो। yes, sir. नहीं, जब फैक्टर कैंसिल करते हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या थी फैक्टर कैंसिल करने की, x नॉट इक्वल टू 2 हाँ x माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कभी भी अपन मैथ्स में दो फैक्टर का कैंसिल कर रहे हो तभी कैंसिल कर पाते जब वो जीरो नहीं है, जीरो बाय जीरो को वन लिख सकते हैं क्या अपन? नो सर। नहीं ना, अगर अपन कोई फैक्टर कैंसिल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी कि ये जीरो नहीं तभी हम कैंसिल कर पा रहे हैं, ये ध्यान रखना बहुत बेसिक है। तो एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 2, तो ये बेसिक कंडीशन है, तभी जाके ये फैक्टर कैंसिल होंगे। हाँ, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो आगे, ये कंडीशन आपने मान ली कि एक्स अगर 2 के बराबर नहीं तो ये इसके बराबर हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब यहां से मुझे x कलेक्ट करना है तो x कलेक्ट कर लेते हैं, तो xy माइनस x इक्वल टू y माइनस 3
x कॉमन, y माइनस वन इक्वल टू y माइनस थ्री, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, y माइनस थ्री अपॉन y माइनस वन, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से y की कंडीशन क्या है, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। अब बस, अब बस यहाँ पे एक चीज आपको क्या है, वापिस क्रॉस चेक करनी कि x की वैल्यू अपने टू नहीं मानी थी, x को क्या बोला था, x शुड नॉट बी इक्वल टू टू। अब क्या करेंगे इसका, यहाँ पे एक बार x की वैल्यू टू रख के देख लेते हैं, है ना, x की वैल्यू टू रख के देख लेते हैं y क्या आ रहा है। तो अगर x की वैल्यू मैं टू रखता हूँ मेरे गिवन आंसर में, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस वन, है ना। तो क्या अगर x की वैल्यू टू नहीं है तो y माइनस वन हो सकता है क्या, नो सर। तो मेरा फाइनल आंसर क्या रहेगा, मेरा फाइनल आंसर रहेगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन एंड माइनस वन, ये दो, ये मेरा फाइनल आंसर है। तो ये वापस मुझे क्रॉस चेक करना है इसमें, यहाँ पे मैंने कंडीशन नॉट इक्वल टू टू बोली थी, क्या ये समझ में आया। इसमें किसी को डाउट हो किसी स्टेप में पूछ लो, बोलो क्लियर है कि नहीं है, आया ना, क्लियर है सर, सबको क्लियर है, ठीक है। ये घर पे जाके वापस रिट्राई कर लेना, सबके सॉल्यूशन अवेलेबल है, इन तीनों वेराइटी को रिट्राई कर लेना, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो काम की चीज होती है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका रेंज निकालने में फायदा कर देता है, क्वेश्चन के सॉल्विंग में भी फायदा करता है, दूसरी बात एरिया अंडर कर्व में भी फायदा करता है, बहुत सी जगह ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। इसको एक शॉर्ट में समझाने के लिए मैं एक सिंगल ग्राफ को कंसीडर कर रहा हूँ, फंक्शन का वाई इक्वल टू एफ एक्स, मान लो कोई फंक्शन कंसीडर कर रहा हूँ रेंडम सा, ऐसा कुछ लीजिए, मान लो इधर सर्कल बना लिया, इधर एक ट्राइंगल बना दिया और एक स्क्वायर बना दिया, चलो ये मान लो कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स अभी के लिए मान लो, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं, या फिर एक काम करो इसको छोटा ही रहने देते, ज्यादा टफ हो जाएगा। इसे मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू मैंने ले ली, ये वैल्यू मैंने ले ली थ्री, ये वैल्यू मैंने ले ली मैंने फैल कर टू, ठीक है, ये जीरो। अब मान लो सबसे पहले है वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए, तो पूरे फंक्शन में अगर कोई कॉन्स्टेंट नंबर एड हो रहा है तो फंक्शन के ग्राफ में बताओ क्या चेंज होगा, पूरे फंक्शन में प्लस माइनस ए एड कर रहे हैं, मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं ये मान लो वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। आप चलो एक काम करो, आप लोग को सिंप्लीफाई करना है ना, साइन का ग्राफ ले लो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये मान लो मैंने साइन का ग्राफ कंसीडर कर लिया माइनस वन से वन के बीच में, अब मैं क्या कर रहा हूँ वाई इक्वल टू साइन एक्स मैंने कंसिडर किया, पूरे फंक्शन में अगर कुछ ऐड करूं वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस टू, तो बताओ ग्राफ में क्या चेंज आएगा, बोलो ग्राफ सर टू यूनिट ऊपर चला जाएगा ना। हाँ, पूरे फंक्शन में टू अगर ऐड कर रहे हो तो ग्राफ को दो यूनिट ऊपर भेज देना, तो पहले जो वन पे था माइनस वन पे था उसको दो यूनिट अगर ऊपर भेजोगे तो कहाँ पे पहुंच जाएगा, वन पे पहुंच जाएगा। Yes, sir. है ना, मतलब ये आपकी वैल्यू क्या पे आ जाएगी, वन पे आ जाएगी, मतलब बेसिकली ग्राफ आपका दो यूनिट ऊपर चला जाएगा। Yes, sir. ठीक है, जो वैल्यू पहले वन पे थी, जो माइनस वन पे थी वो वन पे पहुंच जाएगी, जो वन पे थ्री वो थ्री पे पहुंच जाएगी, क्लियर है, है ना। तो ग्राफ दो यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फंक्शन में अगर टू ऐड हुआ मतलब y इक्वल टू x प्लस टू किया करना ब्रैकेट में, तो फंक्शन में टू ऐड करने पे क्या फर्क पड़ेगा, ग्राफ में कहां पे शिफ्टिंग होगी, यहाँ पे क्या बोला मैंने अपवर्ड और डाउनवर्ड, ग्राफ अगर प्लस माइनस की करेंगे तो अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, प्लस पूरे फंक्शन में प्लस या माइनस टू करेंगे तो, x में अगर प्लस माइनस टू करेंगे तो क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा या तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, डिपेंडिंग यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, मतलब जैसे जो वैल्यू पहले जीरो पे आ रही थी वो वैल्यू अब किस पे आएगी, माइनस टू पे, तो ग्राफ माइनस टू पे शिफ्ट हो जाएगा, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो या तो मतलब बेसिकली या तो राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा, अगर फंक्शन वो करा ए से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ए अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उस बात पे डिपेंड करेगा, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा या फिर श्रिंक हो जाएगा, है ना, y एक्सिस के अलोंग, x में अगर a मल्टीप्लाई होगा तो x एक्सिस के अलोंग या तो एलोंगेट हो जाएगा या x एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, है ना, याद आ रहा है कि नहीं, पूरे फंक्शन पे अगर मॉड लग गया, पूरे फंक्शन पे अगर मॉड लग गया तो जो भी नेगेटिव पोर्शन है वो सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी नेगेटिव पोर्शन है, जैसे मान लो इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव सब कैसे कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, जो भी नेगेटिव पोर्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मान लो ऐसा कुछ ग्राफ बना देता हूँ, आप आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वाले को तो कुछ फर्क, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स में मॉड लगाने पे क्या फायदा होगा, फर्क पड़ेगा,
एक्स में मॉड लगाने पे क्या होगा कि एक्स पॉजिटिव, अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स एक्स के बराबर ही रहेगा, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स ही रहेगा, y equal to fx ही रहेगा। तो अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में जो ग्राफ है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अगर इसी की मैं बात करूं तो जो पॉजिटिव में ग्राफ है जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। y equal to mod x अगर की बात कर रहा हूं, अगर x पॉजिटिव है तो जो ग्राफ पहला था वो ही रहेगा, तो मतलब पॉजिटिव साइड में ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर x नेगेटिव है, x क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वाला भी अपना पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो ग्राफ पॉजिटिव में था सेम ग्राफ नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा मिरर इमेज, इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा मिरर इमेज। क्या सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, फटाफट एक बार वो देख लो, ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, फंक्शन में प्लस माइनस ए ऐड होगा तो अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, एक्स में ए ऐड होगा तो लेफ्ट या राइट शिफ्ट होगा, ए मल्टीप्लाई होगा तो एलोंगेट या श्रिंक होगा, इस वापस ए में तो एलोंगेट श्रिंक, एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग, पूरे फंक्शन पे मॉड लग जाएगा, तो जो भी एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है वो सारा एक्स के ऊपर चला जाएगा, मतलब कोई भी मैं y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, पूरे फंक्शन पे अगर मॉड लगेगा तो y नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब जो भी ग्राफ x एक्सिस के नीचे होगा उस सबको ऊपर कर दोगे, x पे अगर मॉड लगेगा तो y एक्सिस के y एक्सिस के अबाउट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x का मिरर इमेज ले लेंगे, y एक्सिस के अबाउट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x का क्या ले लेंगे मिरर इमेज। ठीक है, चलो फटाफट एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, जल्दी से देखो, यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो पहले नॉर्मल फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, अगर ये फंक्शन होता इसके रूट्स क्या है? 3, 2। हाँ, रूट्स क्या है 3 और 2, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसा आएगा, और पूरे फंक्शन पे मॉड लगने से क्या फायदा होगा, क्या चेंज आएगा? नेगेटिव वाला भी ऊपर में है। हाँ, नेगेटिव वाला भी जो था नीचे वो क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। क्लियर है? सेम यहाँ पे y इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेंगे, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर क्या है, x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस साइन के साथ, डाउनवर्ड पैराबोला एक रूट होगा प्लस 2 एक होगा माइनस 2, तो नॉर्मल जो ग्राफ है वो ऐसा है, सॉरी डाउनवर्ड पैराबोला के साथ ये वाला, एक माइनस 2 रूट एक प्लस 2 रूट है, अब पूरे फंक्शन पे मॉड लगने से क्या होगा, अगेन जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Okay. अब देखो ये ग्राफ कहाँ पे काम आते हैं, जनरली सॉल्यूशन निकालने में, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आप, तो जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाले वो दो अलग अलग टाइप के फंक्शन दे, एक तरफ लॉग एक तरफ एलजेब्रिक, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक तरफ लॉगरिथमिक, एक तरफ एलजेब्रिक एक तरफ एक्सपोनेंशियल, जो अलग अलग फंक्शन दे, तो हमेशा ग्राफ से कोशिश करो, तो LHS में जो ग्राफ है और RHS में जो ग्राफ है दोनों को ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करो दोनों को जल्दी से, और देखो दोनों ग्राफ कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, LHS में मान लो ये वाला ग्राफ है, RHS में रेड कलर के इसे बना देते हैं, दोनों ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करो और देखो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों ग्राफ एक दूसरे को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने आपके क्या होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन। रेड वाला आसान है, y इक्वल टू 2 mod x, तो mod x का v शेप का ग्राफ होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थोड़ा सा y के अलावा और ऐसा हो जाएगा। येलो वाले ग्राफ की बात करें तो जब बेस 1 से छोटा होता है, याद आ रहा है कैसा ग्राफ आता है, नीचे से ऊपर के ऊपर से नीचे, देखो नॉर्मल बना लेते पहले, y इक्वल टू लॉग ऑफ 0.5x, पहले इसका ग्राफ बना लो, तो 0.5x का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ऐसा कुछ आएगा, आया ना, सही बनाया है, बेस 1 से छोटा है तो बोलो। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है, इसमें बोला गया है कि अगर x पे मॉड लग जाए, तो x पे मॉड लगने पे मैंने आपको क्या सिखाया था, अभी x पे मॉड लगने पे ग्राफ में क्या चेंज आएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, जो ग्राफ वेरी गुड, y के इधर है वही सेम ग्राफ इधर, मतलब जो काम पॉजिटिव के लिए रहा सेम काम नेगेटिव के लिए, तो ग्राफ क्या हो जाएगा ये, तो बेसिकली ये येलो वाला ग्राफ किस तरह से जाएगा, इस तरह से और इस तरह से, तो बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 2 सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं 2, वेरी गुड, क्योंकि दोनों ग्राफ एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब देखो कितना इंपॉर्टेंट था ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, समझ में आ गया सर, लॉग के बेस में 0.5 अलाउड है, हां अलाउड है, लॉग के बेस में मैंने आपको ये सिखाया था y equal to log of a base x में ये जो बेस होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए पॉजिटिव,
पॉजिटिव में ये जीरो से वन के बीच में भी लाई कर सकता है और ग्रेटर देन वन भी हो सकता है, है ना। जीरो से वन के बीच में लाएगा तो ये वाला ग्राफ, अगर बेस ग्रेटर देन वन हुआ तो ये वाला ग्राफ, ठीक है। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन जब भी है, दिमाग में छाप लेना ऐसे क्वेश्चन जब भी है, जब दो अलग अलग तरह के फंक्शन दिए हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हो, तो एक ही तरीका क्या है, ग्राफ बनाओ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मेरा ऑड और इवन। इसकी बेसिक डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए। इवन, कोई भी फंक्शन को इवन हम तब बोलेंगे जब उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे फंक्शन वापस वो का वही आ जाए, मतलब जो काम एक्स की जगह माइनस एक्स पे फंक्शन वो का वही आ जाए। जैसे एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे वापस वो का वही बन जाएगा, तो फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया, ठीक है। और के केस में एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे माइनस अगर कॉमन आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन बोले, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है। इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, इवन फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे साइन फंक्शन, साइन एक इवन है कि ऑड है बताओ, साइन ऑड फंक्शन है। और इवन फंक्शन का कोई एग्जाम्पल, कॉस फंक्शन, तो कॉस का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ऐसा आएगा। क्लियरली यहाँ पे y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक। और इवन की मैं बात करूं तो इवन का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो साइन साइन y इक्वल टू साइन x, तो ये ओरिजिन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। ओरिजिन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। क्लियर है सबको? सर मॉड्यूलस भी इवन है ना? हाँ, मॉड्यूलस भी इवन फंक्शन है ये। वैसे भी उसमें देखोगे y इक्वल टू मॉड x है, तो इसमें अगर fx इक्वल टू मॉड x है, x की जगह माइनस x रिप्लेस करने पे वापस मॉड x ही आएगा, ठीक है, बोलो। यस सर। ऑड और इवन चेक करने का तरीका भी यही है, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करके देखो फाइनल फंक्शन क्या आ रहा है, ऐसा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फंक्शन है, जल्दी से बता, ट्राई करो एक बार। Odd, even, neither odd nor even. Again, कल जो फंक्शन मैंने पढ़ाया था आपको प्रॉपर्टीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में क्या रिलेशन बताया था। माइनस एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स के टर्म्स में, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के टर्म्स में बताओ, बाहर ऐसा कुछ। यस सर, ऐसा कुछ था ना कल प्रॉपर्टी बताई थी। यस सर, वैल्यू रख के देख लो, जैसे मान लो माइनस 2.3 रखा, इसका आंसर कितना आएगा, माइनस 3। माइनस 3 कैसे लिखोगे, 2.3 माइनस का और मैं माइनस का 1 है ना, तो इसका आंसर माइनस 3 आएगा, सो करेक्ट है। चलो ध्यान से देखो, क्या इंटीजर, ये देखो इंटीजर है, बाहर निकाल सकते हैं। यस सर, यस सर, आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर इंटीजर लिखा है उसको अपन अलग से निकाल सकते हैं बाहर। तो जैसे इसको बाहर निकालोगे आपके पास ये बच जाएगा x / pi प्लस का 21 बाहर आ गया, माइनस का 41, ठीक है, सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं। अच्छा, ट्वाइस बार भी था ना ब्रैकेट के बाहर, तो 2 अंदर जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई होने के बाद ये 21 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 42 में, है ना। अरे आ रहा है समझ में, 42 में 41 कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरा fx हो गया। अब f ऑफ माइनस x निकालना है, तो जहां जहां भी x है उसकी जगह माइनस एक्स अगर रिप्लेस कर देंगे, इसका माई कौन है, ठीक है,
तो जहां जहां भी एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दोगे, देखो क्या साइन में से और टेन में से माइनस कॉमन आ जाएगा? यस सर, क्योंकि साइन और टेन जैसे फंक्शन ऑड फंक्शन है। साइन ऑफ माइनस एक्स करोगे तो माइनस साइन एक्स, टेन ऑफ माइनस एक्स करो तो माइनस टेन, पूरे में से माइनस कॉमन और ये बाहर वाला माइनस, तब प्लस में कन्वर्ट हो, जहां जहां भी एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस टेन एक्स। अब इस पूरे में से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस बाहर वाले को प्लस बना देगा, तो न्यूमरेटर में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है ना। अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस का वन। अब नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस और माइनस वन करते हैं। यस सर, ठीक है। तो जैसे ये करोगे टू अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में देखो ये टू अंदर मल्टीप्लाई किया तो टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का टू प्लस का वन, तो माइनस वन हो जाएगा। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ इतनी ज्यादा, है ना। इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ रही, माइनस एफ एक्स के बराबर। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑड। तो अगेन ऑड इवन पे भी बेसिक आ सकता है, वहां पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ट्रिग्नोमेट्री का, इन सब का बेसिक एप्लीकेशन आप पूछ सकते हैं। तो जो कल वाली क्लास में बताया था भाई, ये जो प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है, प्रॉपरली कैलकुलेशन करनी है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। कोई डाउट इसमें सर? ये माइनस एक्स वाला मुझे समझ नहीं आया। क्या माइनस एक्स, कौन सा वाला? ये माइनस एक्स वाला। x देखो, ऑड इवन चेक करने के लिए x की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करना है, तो जहां जहां भी माइनस एक्स है उसको रिप्लेस करने के बाद सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। तो साइन और टेन में प्रॉपर्टी क्या होती है कि साइन में अगर माइनस एक्स रखेंगे और टेन में माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ाया था। और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस था, तो पूरे को माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ऊपर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन, ये प्रॉपर्टी याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी पूरे में से माइनस क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो बेसिकली एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे माइनस एफ एक्स आ रहा है, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे माइनस एफ एक्स अगर आ रहा है, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन, ठीक है। ओके सर, एक बार और रीट्राई करना, अगेन घर पे जाके इसको वापस से रीअटेम्प्ट करना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कुछ कुछ कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। पीरियोडिक फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जो एक खुद किसी फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे, जैसे y इक्वल टू एग्जांपल ले तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या ये पीरियोडिक है? यस सर, है ना। इसका ग्राफ अगर आपको ध्यान हो ऐसा कुछ होता है, कल बताया भी था और पहले से पता भी होना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये ग्राफ अपने आप को 1 2 3 हर वन इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, तो ये पीरियोडिक। इसका पीरियड कितना है, पीरियड कितना है बोलो, कितना पीरियड है इसका? वन है ना, हर वन इंटरवल के बाद अपने आपको अगर ग्राफ रिपीट कर रहा है तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलेंगे पीरियोडिक। और दूसरा अगर एक और एग्जांपल लेना तो साइन एक्स का एग्जांपल ले लो, ठीक है। साइन एक्स भी होता है जो कि 2 पाई इंटरवल के बाद अपने आपके अपने ग्राफ को बार बार रिपीट करता है, तो साइन एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। साइन एक्स वापिस वही फंक्शन आता है तो टी को बोलते पीरियोडिक, ये टी स्मॉलेस्ट पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो x की जगह x प्लस t रखने पे वापस फंक्शन वो का वही आ जाए तो ऐसे फंक्शन को अपन पीरियोडिक बोलेंगे। और फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा, t। जैसे y इक्वल टू sin x में x की जगह में रिप्लेस कर दो x प्लस 2 पाई, तो sin ऑफ x प्लस 2 पाई वापस sin x ही तो आता है, इसलिए sin x पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, 2 पाई। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो आपके पास दो फंक्शन है fx और gx, एक फंक्शन है, दो फंक्शन का एडिशन। मान लो पहले का पीरियड है t1, पहले फंक्शन जो है वो मान लो कुछ फंक्शन इसका पीरियड t1 है, दूसरे फंक्शन का पीरियड t2 है, तो बताओ hx का पीरियड कैसे निकालेंगे। मान लो दो फंक्शन है, दोनों को ऐड करके लिखा गया या फिर सब्सट्रैक्ट करके लिखा गया, एक फंक्शन दो फंक्शन का एडिशन या सब्सट्रैक्शन है। मान लो उसमें से जो पहला फंक्शन है उसका पीरियड है t1, सेकंड फंक्शन का पीरियड है मान लो t2,
तो दोनों के एडिशन और सब्सट्रैक्शन से जो फंक्शन बन रहा है उसका पीरियड अगर आपको निकालना तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम ऑफ टी वन एंड टी टू. क्या करना पड़ेगा? एलसीएम ऑफ टी वन एंड टी टू. आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये देख लो एक बार. अपीरियोडिक फंक्शन ग्राफ फिक्स इंटरवल के बाद अपने आपको रिपीट करता है. एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स आ जाता है, इस फंक्शन को पीरियोडिक बोलते हैं. सारे एग्जांपल कुछ स्टैंडर्ड याद होने चाहिए. साइन की पावर एन, कॉस की पावर एन, सेक की पावर एन, सबके पीरियड कितने होते हैं? 2 पाई. अगर पावर ऑड है तो, पावर अगर इवन है तो पीरियड होगा पाई. ठीक है, टेन एक्स का पीरियड हमेशा पाई होता है. टेन एक्स कॉट एक्स का पीरियड हमेशा क्या होता है? पाई. साइन एक्स कॉस एक्स और इस पे मॉड अगर लग जाए तो मॉड लगने पे पीरियड 2 पाई का नहीं होगा, पाई का हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मॉड लगने पे ग्राफ चेंज हो जाता है. मॉड लगने पे ग्राफ ऐसा बन जाएगा तो इस बार पीरियड कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा. ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड होता है. ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस तरह से, तो नॉन पीरियडिक होते हैं. कॉन्स्टेंट फंक्शन पीरियडिक बोल सकते हैं लेकिन पीरियड इसका क्या होता है? नॉट डिफाइंड. कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा. तो ग्राफ किसी इंटरवल के बाद रिपीट तो कर, लेकिन इंटरवल अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए पीरियडिक तो है लेकिन पीरियड क्या है? अनडिफाइंड है. क्लियर है? अरे बोलो. यस सर. ठीक है, ये तो कोई सारी चीजें एक्चुअली क्या है ना, बेसिकली ये है कि अब इतना कम टाइम है हमारे पास कि हम पूरा डिटेल में सब चीज समझ नहीं सकते. मैं आपको बस एक रिवीजन करवा रहा हूँ, आपको घर जाके बस इन्हीं चीज को वापस पढ़ना है, रिकैप करना है, क्योंकि अपन अपने पास समय नहीं कि पूरा डिटेल में अपन इस चीज को पढ़े. तो अभी सॉर्ट ऑफ रिविजन हम कर रहे हैं, एक बार घर जाके इन्हीं चीज को आप रिपीट करोगे तो सारा रिकैप हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर मान लो कोई फंक्शन है fx, इसका पीरियड है t. अब उस फंक्शन में अगर x की जगह मान लो इस तरह से आ रहा है 5x plus 2, तो जो पीरियड है वो हो जाएगा t upon 5. मतलब अगर x का x के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो जाएगा. जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे y equal to sin x है, इसका पीरियड कितना होता है बताओ? 2 पाई है ना, इसका पीरियड कितना होता है? 2 पाई. लेकिन अगर मान लो मैंने नया फंक्शन कंसीडर किया y equal to 3x plus 8, इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई. और x का जो कोएफिशिएंट है उससे क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे. जैसे यहाँ पे यही बोला गया, अगर x की जगह ax plus b हम रख देंगे तो x के कोएफिशिएंट, जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. तो पहले अगर पीरियड t था, अब पीरियड कितना हो जाएगा? t बाय a. आ रही बात समझ में? यस सर. ठीक है, दूसरी चीज अभी मैंने बताई थी, अगर दो फंक्शन एडिशन में है, एक का पीरियड है t1, दूसरे का पीरियड है t2, तो उसका नए फंक्शन का पीरियड हो जाएगा LCM of t1 and t2. LCM of t1 and t2. ठीक है, इस पे एग्जांपल है. अच्छा, कभी कभी क्या होता है, LCM लेना सबको आता ही है ना. जैसे मान लो एक का पीरियड आ रहा 5, दूसरे का पीरियड आ रहा 4, तो बताओ इनका LCM क्या होगा? 20. लेकिन प्रॉब्लम तब आती है, जैसे मान लो मैंने कोई नया नंबर ले लिया 2/7, फ्रैक्शन ले लिया, और ले लिया अपन ने ऊपर मान लो 3/14, तो इनका एलसीएम क्या होगा? नॉर्मल नंबर का एलसीएम लेना आता ही हमें, लेकिन अगर नंबर फ्रैक्शन में आ जाए, नंबर किस में आ जाए? फ्रैक्शन में, तब एलसीएम कैसे निकालेंगे? याद है किसी को? सर 2 होगा क्या? नहीं नहीं, तरीका क्या आएगा, मतलब अगर फ्रैक्शन में आता है तो क्या तरीका आएगा? बोलो. चलो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, तभी आपको समझ में आएगा. एक मिनट, एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं जो थोड़ा आसान है. दो फ्रैक्शन का एग्जांपल जिसके एलसीएम हम निकाल सके. जैसे मान लो एक ले लिया मैंने 1/3, और एक ले लिया मान लो मैंने 5/6 फॉर एग्जांपल. अब मुझे इसका क्या निकालना? एलसीएम निकालना. अच्छा, एलसीएम का बेसिक मीनिंग क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है. यस सर. अच्छा, इसके मल्टीपल क्या क्या होंगे? 1/3, 2/3, 4/3, 5/3, 6/3 एंड सो ऑन. आया ना? सही है. यस सर. अच्छा, इसके मल्टीपल क्या होंगे? 5/6. क्या हो रहा, एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया, अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे
10 by 6, 15 by 6, 20 by 6 और इस तरह से क्या आगे बढ़ता जाएगा, है ना? आ रही बात समझ में? अब मुझे देखना पड़ेगा इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कोई दिख रहा है कॉमन क्या? ये वाला देखो, इसको अगर अपन 3 की टेबल से काटें तो 5 बाई 3 तो ये 5/2 बने, तो ये 5/3 अच्छा 5/2 है, सॉरी सर 10/6 होगा, हां 10/6, 10/6 कितना होगा? 5/2 होगा, लेकिन 5/3 आएगा, सॉरी क्या कर रहा हूं, 5/3 आएगा, है ना? तो ये तो बेसिकली एलसीएम का 5/3, तो अपन ने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 5/3। अब देखो यहां से 5/3 कैसे बनेगा, इसका आंसर कितना है? 5/3 आया, तो बेसिकली मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिया है, 3 और 6 का 3 क्या है? एचसीएफ, डिनोमिनेटर में 3 था और 6 था, तो यहां से आंसर 3 आ रहा, तो 3 इज द व्हाट, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 3 एंड 6, है ना? यस सर। और 1 ऑफ 5 का न्यूमरेटर में 5 आ रहा है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या लिया, एलसीएम ऑफ 1 एंड 5। आगे बात समझ में? तो फ्रैक्शन जब भी आए तो जब भी दो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, तो दो फ्रैक्शन का एलसीएम क्या आएगा, न्यूमरेटर में जो नंबर है उनका एलसीएम, मतलब ए और सी का एलसीएम, और डिनोमिनेटर में वाले जो नंबर है उनका क्या लोगे आप? एचसीएफ। अब याद रह जाएगा, न्यूमरेटर में ऊपर एलसीएम, नीचे एचसीएफ, है ना? अरे बोलो, आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। ऊपर एलसीएम, नीचे एचसीएफ, ऊपर एलसीएम, नीचे एचसीएफ, याद रखना। चलो अच्छा, कभी भी ध्यान रखना, एक रैशनल और इरेशनल नंबर का कभी भी एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि कोई भी कॉमन मल्टीपल कभी आएगा ही नहीं, आया ना? बोलो कैसे? और इरेशनल में भी तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो उसके रैशनल मल्टीपल होंगे, जैसे मान लो √2 √3, अगर दो नंबर इस तरह से दिए होंगे तो √2 + 2 करूं और बोलो √3, इनमें कोई एलसीएम नहीं आएगा, लेकिन अगर मान लो एक नंबर है √2 एक नंबर है √3 तो इसमें आ सकता है, ठीक है? लेकिन ऐसे टाइप के नंबर में एलसीएम नहीं आएगा, ऐसे टाइप के नंबर में एलसीएम आ सकता है। अच्छा, और रैशनल और इरेशनल, जैसे मान लो 2 है √5 है, तो इनमें तो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है? और यहाँ का मैंने बता दिया। चलो फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट वाला y इक्वल टू 3 sin x का पीरियड सर 2π। हाँ 2π, 3 से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। 3 से मल्टीप्लाई करने पे ग्राफ क्या होगा, एलोंगेट हो या श्रिंक, मतलब एलोंगेट ऊपर या नीचे होगा, लेकिन पीरियड तो अभी भी कितना रहेगा, 2π रहेगा। पूरे फंक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? यस सर। ओके, सेकंड पार्ट, 2 sin x + 1 2π / 3 / 3, इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सी पार्ट, 3 1 1 3 से मल्टीप्लाई करने, बाहर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी पार्ट, तो 1/3 1/3 सर। क्या ये कांसेप्ट क्लियर हुआ सबको? यस सर। चलो अगला, फर्स्ट वाला log of 2x + 1, इसका पीरियड log क्या होगा? सर log पीरियडिक नहीं, सर नॉट, हां नॉट डिफाइंड, यस सर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन पीरियडिक होता है क्या? No, बी पार्ट, बी पार्ट कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे। हाँ, यहाँ पे दो फंक्शन है, साइन एक्स और साइन 3x, तो मान लो ये फंक्शन, ये फंक्शन f1 है, f2 है, तो पहले का पीरियड कितना है, साइन एक्स का 2π, सेकंड फंक्शन का पीरियड कितना है, 2π/3। अब इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, दोनों एडिशन में तो क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो एक है 2π, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, और दूसरा क्या है 2π/3, तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, न्यूमरेटर का क्या लोगे, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, बताओ 2π और 2π का एलसीएम कितना आएगा, 2π, और 1 और 3 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 क्या आएगा, अरे 1 आएगा, यस सर। आंसर कितना आ गया, 2π हो गया। चलो नेक्स्ट, सी पार्ट, सी पार्ट में पहले वाले फंक्शन अब मॉड लगा दिया है। अच्छा, मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता था, पाई पाई,
मॉड साइन एक्स का पीरियड ध्यान रखना कितना होता है पाई, अब मॉड साइन के अंदर 3x लगा देता अब पीरियड कितना हो जाएगा पाई बाय 3, वेरी गुड। सेकंड में अगेन मॉड कॉस एक्स का पीरियड पाई होता था, 4 लगा देंगे तो पीरियड कितना हो जाएगा पाई बाय 4। अब एक का पीरियड पाई बाय 3, एक का पीरियड पाई बाय 4 है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा पाई पाई बाय 4 पाई, हां ऊपर का पाई नीचे का एचसीएफ मतलब 1 तो पाई आया ना। वेरी गुड, नॉन पीरियोडिक, वेरी गुड। तो फिर कैसे 2 पाई बता रहे, ये नॉन पीरियोडिक है ना, 2x बताया था सिर्फ 2 होता तो पीरियडिक होता, 2x एलजेब्रिक फंक्शन होता नॉन पीरियडिक, तो इसमें sin x ऐड करने पे पूरा क्या रहेगा नॉट डिफाइंड, पीरियड होगा क्या कुछ। अगला बताओ सिर्फ नॉट डिफाइंड, हां ये कहां से नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, इसका पीरियड कितना होता है 1 1 2 पाई और 1 का एलसीएम क्या होगा 2 पाई होगा 1 होगा सर पाई, ये एक इरेशनल नंबर है अभी बताया था, ये एक इरेशनल नंबर है ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल इरेशनल का एलसीएम हो सकता है क्या? नो सर। अच्छा सही बताया आपने, नॉट डिफाइंड है ना, क्लियर है? यस सर, यस सर, सॉरी। तो यहाँ पे एक रेशनल नंबर था दूसरा इरेशनल, तो इनका एलसीएम पॉसिबल है क्या? नो सर। लास्ट एफ वाला, एफ वाले में फर्स्ट वाले का पीरियड कितना होगा 2 पाई को 2 1 बाय 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई सर 4 पाई और सेकंड का पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई को 1 बाय 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 पाई 4 पाई और 10 पाई का एलसीएम सर 4 पाई नहीं 4 पाई कहां से आएगा मल्टीपल देखो ना 4 4 के मल्टीपल क्या होंगे 4 पाई 4 8 12 20 पी आएगा ना सर 20 20 पाई होगा ना एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है बेटा आया ना यस सर 4 4 पाई के मल्टीपल क्या क्या होंगे 4 पाई 8 पाई 12 पाई 16 पाई 20 पाई 20 पाई के मल्टीपल क्या होंगे 20 पाई 1 जा 20 पाई 20 पाई 2 का 20 10 पाई के मल्टीपल क्या होंगे 10 पाई 20 पाई तो कॉमन कौन सा होगा 10 20 पाई होगा यस सर यस सर एक बार वो घर पे इन सब की प्रैक्टिस कर लेना चलो एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते फर्स्ट वाला बताओ सर नॉट डिफाइंड डिफाइंड चेक करो एक बार f of x की जगह x plus 2 pi रख के देखो क्या वापस फंक्शन fx क्रिएट नहीं हो रहा है यस सर तो फिर तो अगर फंक्शन वापस क्रिएट हो रहा है तो पीरियडिक तो हो गई ना और पीरियड कितना होगा 2 pi हां है ना यस सर और ध्यान से इसे जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है x की जगह x plus 3 रख के देखा वापस वही फंक्शन क्रिएट हो रहा है ना तो फंक्शन कितना होगा पीरियडिक विद पीरियड 2 पाई बी पार्ट करो सर तो e की पावर से कुछ फर्क नहीं पड़ता जो जो पीरियड होगा वो को वही रहते हैं तो एक है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos 2 पाई x दूसरा है शायद मॉड इसमें डिफाइन नहीं किया गया लेकिन मेरे हिसाब से वही होगा तो मुझे बताओ सबका पीरियड पहले इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसका पीरियड कितना है 7 1 इसका पीरियड पाई 3 मॉड कॉस एक्स का पीरियड पाई होता है और 3 पाई से अगर मल्टीप्लाई करें तो पाई को 3 पाई से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 पाई तो पाई को 3 पाई से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा क्या समझ में आया Yes. अच्छा अब इसके बारे में बताओ क्या ये पीरियोडिक होगा अगर पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या होगा सर 1 होगा कैसे सोचो आराम से पहले सोचो फिर बताओ सर 2 पाई नहीं होगा नहीं मेरे हिसाब से ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं बच्चों मॉड ही है इसको मॉड लो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है इसको मॉड ले लो अब बताओ So 1/2 1/2
अब इन तीनों का एलसीएम बताओ कितना आ रहा है। वन न्यूमरेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर का एचसीएफ वन आएगा। यस सर। देखो तीनों के जो मल्टीपल भी लोगे उसमें वन ही आएगा सबसे पहले। वन बाई टू के मल्टीपल क्या होंगे? देखो वन बाई टू, फिर अगला मल्टीपल क्या होगा? टू बाई टू मतलब वन। वन बाई थ्री के मल्टीपल क्या होंगे? वन बाई थ्री, टू बाई थ्री और वन। तो कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? वन आएगा। यस सर। ओके चलो अब ये बच्चे आप लोग घर पे ट्राई कर लेना। कितने टाइम लगते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन फटाफट फिनिश करते हैं। ऑड इवन वन वन ऑन टू, वन वन और मैनी वन चेक करने के लिए दो तीन तरीके फटाफट देख लो। x की जगह क्या करते थे? f of x1 equal to f of x2 करते थे। अगर सिंपलीफिकेशन के बाद ओनली सॉल्यूशन अगर ये आ रहा है, एक लौता सॉल्यूशन x1 equal to x2 अगर आ रहा है तो मतलब फंक्शन वन वन होगा, अदरवाइज वन वन नहीं होगा। दूसरा तरीका, अगर फंक्शन मोनोटोनिक है, अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो मतलब वन वन मैनी वन होगा। मोनोटोनिक चेक करने का तरीका डिफ्रेंसिएशन, या तो पूरा पॉजिटिव हो या फिर डिफरेंशिएशन क्या हो नेगेटिव हो, तो फंक्शन कैसा होगा? मोनोटोनिक। ये दो तरीके हैं। और कोई तरीका होता है क्या? हाँ एक और तरीका होता है सर, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनेगा ग्राफिकली। अगर ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्राफ बनाने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को कट्स ओनली एट वन पॉइंट, देन उसको क्या बोलेंगे अपन? वन वन। ठीक है, अगर उसके ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रही तो क्या बोलेंगे इसको? वन वन। क्लियर है? तो ये तीन तरीके, मेथड वन, मेथड टू और मेथड थ्री, ये तीन तरीके हैं वन वन को चेक करने के। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। और ऑन टू को चेक करने का एक ही तरीका क्या है? कि रेंज निकालो। क्वेश्चन में कोड डोमेन दी होगी, रेंज और कोड डोमेन अगर इक्वल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू। क्लियर? अच्छा इसमें नंबर ऑफ वन वन, नंबर ऑफ वन टू फंक्शन का भी कभी कोई पूछ लेते। जैसे मान लो अगर मैं आपको एक चीज पूछ, नॉर्मल क्वेश्चन, यहाँ पे तीन एलिमेंट है मान लो, या चार एलिमेंट है, इधर मान लो तीन एलिमेंट है ए से बी, तो मुझे बताओ पहला क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन। थ्री नहीं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन कितने बन सकते हैं? 64। कैसे दिमाग लगाओगे पीएनसी वाला? जैसे देखो ध्यान से, फर्स्ट वाले अवेलेबल है, पहले वाले के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? तीन ऑप्शन। तीन ऑप्शन। दूसरे वाले के लिए कितने ऑप्शन? अब मान लो ये तीन में से किसी एक के साथ जुड़ गया, दूसरे वाले के लिए वापस तीन ऑप्शन अवेलेबल है, तीसरे वाले के लिए वापस तीन ऑप्शन, चौथे वाले के लिए वापस तीन ऑप्शन, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा? थ्री की पावर फोर। क्लियर? सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ वन वन, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने वन वन फंक्शन पॉसिबल है? अब वन वन के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। अगेन चार चीजें हैं मेरे पास, फर्स्ट वाले के लिए कितने ऑप्शन? तीन। मान लो किसी एक के साथ जुड़ गया, अब सेकेंड वाले के लिए कितने ऑप्शन है? दो। थर्ड वाले के लिए? एक। अब चौथे के लिए कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, मतलब ये नंबर वन वन फंक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? क्यों हो सकते हैं? नहीं है सर। नहीं हो सकते। वन वन की डेफिनेशन क्या होती है? कंफ्यूज किया था मैंने, बता वन वन की डेफिनेशन क्या होती है? सर सारे एलिमेंट से एक एक एलिमेंट से वो होने चाहिए। हाँ, क्या कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज बन सकती है क्या? नो सर। नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी नंबर ऑफ फंक्शन कम है तो यहाँ पे नंबर ऑफ वन वन जीरो होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे मान लो मैं पांच कर दू, अब बताओ आंसर कितना आएगा इन चारों का? पहले के लिए कितने ऑप्शन? पांच ऑप्शन। दूसरे के लिए चार, तीसरे के लिए तीन, चौथे के लिए दो। क्लियर है? और इसका फॉर्मूला क्या बनता है? मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है m, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है n, तो m p n। क्लियर है? यस सर। m p n है ना? और यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पे पहले कितने तीन थे, यहाँ पे इधर चार थे, इधर तीन थे ना, तो m की पावर n। क्लियर है? बोलो। यहाँ पे मैंने आपको ये सिखाया, बहुत एनर्जी लग गई आज। सेट ए सेट ए बी, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट एन, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट एम, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन एम की पावर एन
लॉजिकली भी समझा दिया और यहाँ पे एमपीएन याद रख लेना, ठीक है। वन वन ऑन टू ये सब निकालने का तरीका भी आपको सिखा दिया कैसे निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है। फंक्शन के बारे में आपको पता ही है, वन वन ऑन टू आप निकाल लोगे, कर लोगे ट्राई, ये सब बेसिक क्वेश्चन क्लास में ऑलरेडी करा रखे मैंने, हाँ है ना? यस सर, ठीक है। मेन अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन रख दे, फंक्शन के अगर अंदर फंक्शन अगर रख दें तो फॉग गॉफ उस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें भी जो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है वो मैं आपको करा देता हूँ, अगर इसमें दिया होगा तो, यहाँ पे नहीं दिया होगा, ठीक है। दो ही क्वेश्चन है जो जेई में भी पूछ सकते हैं, तो उनको आप ट्राई कर लेना, ठीक है। लास्ट है आपका टॉपिक इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में वही आपको क्या करना है, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया होगा, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई निकालना होगा, ठीक है। उसके भी दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, इनको एक बार ट्राई कर लेना। 2022 का 2020 का एक क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। और इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए। लास्ट टॉपिक आपका है फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन में कुछ तरह के जो इक्वेशन है उनको आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई सम अगर प्रोडक्ट में टूट रहा है तो किस टाइप का फंक्शन होगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई होता है, है ना? बेस सेम है, प्रोडक्ट में तो पावर एड हो जाती है। अगर सम प्रोडक्ट में टूट रहा है मतलब किस तरह का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। तो फंक्शन क्या अज्यूम करोगे, ए की पावर एक्स, क्लियर है। प्रोडक्ट अगर सम में टूट रहा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, याद आ रहा है, लॉग ऑफ एम एन। लॉग ऑफ एम एन को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये वाला फंक्शन कौन से होंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। बोलो सबको चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, याद है ना सभी चीजें, यस सर। तो ये सम प्रोडक्ट में टूट रहा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, प्रोडक्ट सम में टूट रहा है तो लॉगरिथमिक फंक्शन, और क्या होता है, सम सम में अगर टूट रहा है तो नॉर्मल फंक्शन y इक्वल टू के एक्स, है ना। सम अगर सम में टूट रहा है तो नॉर्मल फंक्शन y इक्वल टू के एक्स, क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखी है आपके लिए। फंक्शनल इक्वेशन में चार तरह के ही वेराइटी है, इन चार वेराइटी को आपने ट्राई कर लिया, इसके अलावा क्वेश्चन बाहर से नहीं आए, और ये सारे फॉर्मूले भी यहाँ पे लिख दिए, इनको प्लीज घर पे जाके ट्राई कर लेना विद सॉल्यूशन अवेलेबल है, क्लियर है? यस यस सर, ठीक है। तो देखो ये चैप्टर अगेन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन अगेन ये तभी हो पाएगा जब आप घर जाके प्रैक्टिस करोगे। कॉन्सेप्ट सारे ऑलरेडी बता रखे हैं, सबको मैंने कंसाइज करके एक नोट्स में आपको दे रहा हूँ। इनको ट्राई करने के बाद एक डीपीपी आज प्रोवाइड की जाएगी, उस डीपीपी को ट्राई कर लेना, आपका फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शनल, ये फंक्शन और रिलेशन, ये दोनों चैप्टर मिला के तीन क्वेश्चन आने हैं, और तीन क्वेश्चन मतलब वन ऑफ द वेरी हाई वेटेज, इन तीन क्वेश्चन को आप प्रॉपरली ट्राई कर लेना, ठीक है, ओके। इसके अलावा मैं आपको एक शीट शेयर करूंगा आपके ग्रुप में मैथ्स के लिए, तो कुछ लेक्चर मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख रखे कुछ टॉपिक्स के, तो अगर आपको लगता है कि उन टॉपिक्स को आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना है तो आप इनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, और अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक ऑलरेडी आपको आते हैं तो आप नहीं देखोगे तो भी चलेगा। अगेन वो जो